साधु जी आज का सूत्र सुनिए, हमने सूत्र नहीं बताया है, आज की कथा का सूत्र नोट करिए। भक्ति के बिना मुक्ति असंभव है। क्या? अरे बोलिए ना, भक्ति के बिना मुक्ति असंभव है। क्षमा करना मेरे माई बाप, ध्यान से सुनना पागलो, आप जिस दिन भजन करने लगेंगे तो आप तो पूज्य हो ही जाएंगे, आपका पूरा परिवार पूजनीय हो जाएगा। और इस संसार में कौन ऐसा है जिसके अंदर लोकेशना नहीं है? कौन ऐसा है जो नहीं चाहता कि हमारी पूजा हो? आज हम एक नई बात शोध करके लाए, नई बात, आप लोगों की दिमाग की गांठें खुल जाएंगी। पूजा उनकी भक्ति के कारण, उनके भजन के कारण भोले बाबा तो पूजनी है ही है। उनने अपनी धर्म पत्नी पार्वती जी को भी दुर्गा रूप में पूजा दिया पूरे विश्व में, पूरे संसार में। भजन की क्या ताकत है भैया, उनकी घरवाली तो ठीक है, उनके दोनों लड़का पूजनीय है, गणेश जी और कार्तिकेय जी। आप निकालो क्या किसी देवता का लड़का सभी पूज्य है? आप ब्रह्मा जी की बात करेंगे कि उनके मानस पुत्र नारद जी हैं, तो नारद जी तो हैं, पर जितनी पूजा गणेश जी की और कार्तिकेय जी की होती उतनी नारद जी की नहीं होती। तो शंकर जी तो अपन पूज हते ही हते, उनने भजन करके अपनी घरवाई का भी पुजवाओ, घरवाली का भी पुजवावे के साथ साथ उनने भजन करो तो अपने दोनों लड़कन हां भी पुजवाओ। रोको 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 रोको, ऐसे ही नहीं भजन का प्रताप है, इन्हें अपने लड़कन हां भी पुजवाओ और लड़कन की दोनों बहुमन हां भी पुजवाओ। गणेश जी की दो पत्नियां हैं रिद्धि और सिद्धि, दोनों की पूजा हो। हां जी अन्ना जी, तो भजन में, भजन के प्रताप से अपन भी पूजे, धर्म पत्नी यानी हमारी मां पार्वती खां भी पुजवाओ, दो ही लड़का गणेश जी और कार्तिकेय जी, दो ही मोड़न हां पुजवाओ और दो ही बहुमन हां भी पुजवाओ, रिद्धि और सिद्धि। रोको 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 रोको, दो नाती भय शुभ लाभ, इन्हें भी पुजवा दो, दोरे दोरे लिखवा दो। ऐसा कोई घर नहीं, ऐसो कोनो मकान नहीं जौन में लिखो ना होए शुभ और लाभ। अब बताओ जो काहे को प्रताप आए भैया, बोलो। अपने नाती का भी इन्हें पुजवा दो भैया, पूरा परिवार पूजनीय हो गया, पूरा परिवार पूजनीय हो गया। अन्य देवताओं में ऐसा नहीं है, किसी में ऐसा है? जब शंकर जी ने अपना पुजवा लो, इनका ऐसा भाव नहीं था, इन्होंने तो भजन किया तो भजन के प्रताप से इनका पूरा खानदान पूजनीय हो गया। हाँ भैया, इसीलिए बाकी सब रह गए देव, जे बन गए महान। का बन गए हैं? दोनों मोड़ा पूजे, दोनों बहुएं पूजी, दोनों नाती पूजे, खुद पूज रहे और मैया पार्वती हां भी पुजवा रहे। ये भजन का प्रभाव है। तो सूत्र क्लियर हो गया, भक्ति के बिना मुक्ति असंभव है। किसके बिना? जोर से बोलो ना। हाँ अच्छा, कोनो आदमी या औरत बहुतों खूबसूरत होवे लेकिन उनकी नाक काट दी जाए, बताओ कैसा लगेगा?
अपनो अपनो खुद को आकलन करो, इतनी नाक काटो मन ही मन, भीतर ही भीतर काटो, इतनी ऊपर की जब फुंदना सो काटो। अब तुम शीशा में, अब मन ही मन सोचो कि हम शीशा के सामू खड़े जो कटवे के बाद, अब कैसे लग रहे? ई तरफ से तो हेलीपैड लग रहो, इत पे एकदम ऊंचा ही जो है ब्रेकर सो बन गो। काय भैया अच्छे लग रहे का? बोलो, नहीं लग रहे। उसी प्रकार सुंदर मानव तन पाकर जो भगवान का, गुरुदेव का भजन नहीं करता है, वो भी सुंदर होते हुए बद सुंदर भगवान को नजर आता है। खूबसूरत हो तो भय बद सूरत नजर आता है। इसलिए आज की कथा काम की है, पगला हरो ओ मोरे पगला हरो। भैया हम तो समझा सकत, हम तो कह सकत, निवेदन कर सकत, ओ दाई दद्दा हरो, हम निवेदन कर सकत, हाथ जोड़ के निवेदन कर सकत। मानबो ना मानबो तुमाओ काम आए, मान जे हो भैया तो तुम राजा बन जे हो, मान जे हो तो तुमाओ घर मंदिर बन जे है। और ना मानो तो हम तो भैया मुसाफिर हैं, आज ते बैठे कल और बैठ भी परसों चले जे। और जितने लोग लाइव भी सुन रहे घर बैठे, भैया हम तो मुसाफिर हैं, आज हैं कल का हमारा कोनो ठिकानो नहीं है। आज मान लो जो भारत मुर्दन को देश है, इतने मरवे के बाद पूजा हो, भैया जब तक जिंदा रात माँ मताई बाप को नहीं पूजा था, जब तक गुरुजी जिंदा रात कोई नहीं पूजता है, जब मर जात सो फिर गुरुजी के नाम के चौक बनाए जा, स्टैचू ऑफ गुरु, फिर मूर्तियां बनाई जाती, फोटो बनाई जाती भगवान, फिर मताई बाप के नाम पे आखन को कैंप ठुकवाओ कि आज ही के दिन बाप अमर हो तो ठटरी के भरे। हमारा निवेदन है भैया हरो, हाथ जोड़ के, चार दिन की जिंदगानी है, आज हमारी बात मान ले हो, राजा बन जे हो राजा। और हम एक घोषणा कर रहे हैं, दो दिन की कथा में कुछ नया करना चाहते हैं, अंग्रेजी नई साल में नई तरीके से व्यासपीठ को सजाना चाहते हैं। कहो तो बताएं, जितने भी यहां कार्य सेवक हैं वो हाथ उठाओ पहले, तो हमारी एक मदद करोगे कल? पूछो क्या, जोर से बोलो। कल की कथा में आगे वाली डी में संतों को छोड़कर इस डी में और इस डी में केवल वृद्ध माता पिता को बैठा दो। जितने भी वृद्ध पीछे खड़े मिले बैठे मिले हमारे आने के पहले कल की कथा में, ये जितने सजे बजे बट वाले आदमी बैठे ना, लगाएं। और ये तरफ ये जो चश्मा ठोके बैठे, अब कल तुम्हारा हाँ टीवी पे नहीं दिखने हैं, पीछे बैठने तुम्हारा हाँ। मानो हमारी बात, सही उपाय है ना, गलत तो नहीं है, तुमने तो बहुत बैठ लो। कल इन लोगन हबीब जी बेचारे धक्का में आनी पाउता, वृद्ध दादा दादी मताई बाप धक्का में इन्हें डर लगत। कल की कथा सिर्फ वृद्धों के सम्मान में आगे यही बैठे। रुको रुको रुको, नई साल पे एक तारीख अंग्रेजी नई साल पे नई तरीका से व्यासपीठ सजेगी। एक तारीख को नए वर्ष पर युवान बहन युवान भाई आगे बैठेंगे। अब तुम अपने हिसाब से मत मानना कि तुम जवान हो, आधार कार्ड के हिसाब से माना जाएगा। हाँ, कि तुम कहो गुरुजी हम तो 55 के जरूर हैं, पर बचपन है हम रेलगाड़ी में कैसे गाली खा चुके। रेलगाड़ी में एक माताजी हमारी सीट पे बैठी थी, हमारे जो साथ में, उन्होंने कहा माताजी उठ जाओ। बोले मैं तुम्हें माता माताजी दिख रहा हूं,
हमने कहा माता जी मत बोलो आंटी बोलो। हमने कहा आंटी जी उठ जाओ, मैं तुझे आंटी दिखाई देती हूँ। हम की अब का देखिए, न माता जी में मान रही न आंटी में, हमका भाभी कहो। हमने कहा माता जी क्यों ना कहें, बोले बा आज तुम माता जी कहोगे कल हमारी संपत्ति पर हिस्सा मांगोगी। वो डॉक्टर थी पहले, हम कहां की बात है, कहां से आ रहे थे, सीकर से, हाँ राजस्थान सीकर से आ रहे थे। हे भगवान प्राण ही खा ले, वो भगवती ने प्राण खा ले। माता जी मत बोलो, मैं तुम्हें आंटी दिखाई दे रही हूं। सही में सफेद बाल थे, हमने देखे थे, रात भलाइयां थी, लेकिन हमने जब उन्हें कही मैं आंटी दिखाई दे, मैंने और गौर से देखो कि सफेद बाल है का इतने थे कि जो जी वाली बार है ना, जी 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 वाली कैमरा कर, जी वाली जी सफेद है थी। हमने कहा अब आफत हो गई, क्या बोले। हमने पे प्रताप पे कहा कि इन पे बहन जी बोलो, तो पता है वो क्या बोली, बोली ऐसा भाई मुझे चाहिए ही नहीं। हम कि अब प्रताप तुम कुछ मत बोलो, तो कल वृद्ध माता पिता वृद्धों को हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको आगे बैठाएंगे, ठीक है ना, उपाय कैसा बताओ ना। अरे जरा सहयोग कर दिया कर। परसों अंग्रेजी नई साल में नए तरीके से व्यासपीठ सजेगी, आगे साफ युवान विराजमान होंगे, सब युवान, बढ़िया होगा ना, ठीक रहेगा ना। हाँ तो भैया हम हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे, बहुत विनम्र, आप हमारे हो, जितने लोग यहाँ विराजमान हैं या घर पर बैठकर कथा सुन रहे, सच बतावे ये जितनी भी कथा हम तुम्हें रोज रोज सुना रहे ना, ना तो हमारा ऐसा स्वार्थ है, हमारा एक ही स्वार्थ है कि तुम किसी कथा के बहाने तो सही भगवान के हो जाओ। भगवान तुम्हारे हो जाए, आज जिंदा में पूजा करो माता पिता गुरु जी की, मरने के बाद कोई देखने नहीं आता, जिंदा में लोगों को धन्यवाद दो। भैया भक्ति के बिना मुक्ति क्या है, बोलिए ना, ये आवाज बहुत फैल रही है। भक्ति के बिना मुक्ति मुश्किल है पगला हरो, बहुत मुश्किल। रावण की भी मुक्ति बिना भक्ति के नहीं भाई, राम जी हैं भगवान, हमारी सियाजू मैया हैं भक्ति। जब तक रावण ने अपने घर पर भक्ति महारानी को नहीं रखा तब तक भगवान नहीं आया। और आप भी सुन लो, जब तक आप मन मंदिर में भक्ति को नहीं जगाओगे तब तक तुम्हारी जिंदगी में भगवान नहीं आएंगे। विवाह जब हो गया राम जी का, जब वापस आई मैया जानकी जी, तो 3 दिन तक पानी नहीं पिया जानकी मां ने, ना भोजन किया। तो कौशल्या मां ने पूछा भी, पर मां जानकी जी ने कुछ नहीं कहा। मां को लगा कि नई नई घर में आई है इसीलिए थोड़ा झिझक रही होंगी। दूसरे दिन महाराज दशरथ को बताया कि बहू ने 3 दिन से पानी नहीं पिया है, तो राजा दशरथ ने कहा बिटिया तुम हमारी बेटी जैसी हो, बताओ क्या बात है, तुमने पानी क्यों नहीं पिया। तो जानकी मां हाथ जोड़कर कहती है पिताजी इस घर में दोष लगा है, किसका, श्रवण कुमार के मारने का, श्रवण कुमार के माता पिता को मारने का ये दोष लगा है। दशरथ जी बोले इस दोष का निपटारा कैसे होगा बेटी। तो बोले महाराज हमारे पिताजी ने
ये बात चलाई थी एक दिन बैठे बैठे, महाराज इस घर में कोई ऐसा ब्राह्मण आकर भोजन कर जाए जिसने कभी किसी के घर पर भोजन ना किया हो तो इस घर का दोष मिट जाएगा। राजा दशरथ जी चिंता में पड़ गए कि आखिर ऐसा ब्राह्मण कौन होगा। ढूंढा गया तो पता है कौन मिला, रावण। रावण ही एक ऐसा ब्राह्मण था जो आज तक किसी के घर पर भोजन करने नहीं गया, क्योंकि वो इतना समृद्ध पहले से ही था कि उसे किसी के घर भोजन करने जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो राजा दशरथ जी ने पत्र लिखा, अपने मंत्री सुमंत्र से कहा, जाओ जाकर रावण को हमारा निवेदन करना, हमें भरोसा है वो आएंगे। सुमंत्र जब रावण के पास लंका गए तो सुमंत्र ने कहा, महाराज हमारे राजा महाराज दशरथ ने बुलाया है। पत्र को रावण ने पढ़ा तो रावण की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि रावण को पता था, रावण त्रिकालज्ञ था, रावण को पता था कि भगवान का अवतार इन्हीं के घर पर हुआ, और जो बहू आई है ना वो कोई साधारण नहीं, जिस धनुष को हम नहीं उठा पाए और जिस सियाजू ने खेल ही खेल में लीपते समय धनुष को उठाकर रख दिया था, वो कोई साधारण नारी नहीं है, स्वयं जगदम्बा परम्बा ही जानकी का अवतार है। जानकी जी हैं। तो रावण ने सुमंत्र को कहा कि हमें निमंत्रण स्वीकार है, चलो तुम जाओ। रावण आया, जानकी जी ने अपने हाथों से रसोई बनाई, दशरथ जी ने और रावण ने बैठकर साथ में प्रसाद पाया। यहां दो घटनाएं घटी बहुत विशेष, ध्यान से सुनना, ये बहुत ही गूढ़ कथा है, बहुत गूढ़ कथा। एक घटना क्या घटी, एक तिनका उड़कर के रावण की थाली में गिर गया, सब्जी में। जानकी मां ने विचार किया कि अगर मैं हाथ डालूंगी तो गिलानी भर जाएगी पंडित जी को, अगर मैं टोकूंगी कि इसमें ये ठीक नहीं है तो गिलानी भर जाएगी, और अगर ये खा जाएंगे और कुछ दिक्कत हो गई तो खिलाने का दोष और पाप हमें लगेगा। तो हमारी परांबा मात भवानी ने भर नजर तिनका को देखा तो वो तिनका जलकर भस्म हो गया। ये बात रावण ने भी देखी, दशरथ जी ने भी देखी। बाद में जब रावण पंडित जी रावण जब विश्राम करने लगा कुछ देर, तो दशरथ जी ने एकांत में जानकी मां को बुलाकर के कहा, बिटिया बहू हे सीता, अब आज हमें तुम वचन दो, जिस प्रकार भर नजर तिनकों को देखकर तुमने भस्म कर दिया, अब लौटकर कभी किसी को मत देखना, नहीं तो उसके प्राण चले जाएंगे। आप सुन रुकिए, आप रामायण पढ़िएगा तो रामायण में जब लंका में सुंदरकांड में जब राम जी जब जानकी जी अशोक वाटिका में बैठी हैं और रावण परेशान करने आया, तब उस बात की याद जानकी जी ने करवाई, त्रिन धरी ओट कहत पे दे धारी ओट कहत बैदेही।
अवधपति परम स्नेही सुमरे अवधपति परम स्नेही सुमरे अवधपति परम स्नेही सुमरे अवधपति परम दिखाकर मां कहती रावण खबरदार तुझे ध्यान है मैं वही जानकी जी हूं। तिनका रखकर रावण को याद कराया खबरदार अगर नजदीक आया हमने अगर भर नजर देख दिया तो जैसे तिनका भस्म हो गया था वैसे तू भी भस्म हो जाएगा। रुकिएगा दशरथ जी ने वर मांगा माँ जानकी जी ने दिया। अब रावण के जाने की बारी जब आई अयोध्या से तो जानकी माँ ने कहा पंडित जी कुछ दक्षिणा मांगिए। रावण हंसकर बोला हमारे पास कौन सी दक्षिणा की कमी है ये बताओ, सब कुछ है हमें कुछ नहीं चाहिए। जानकी माँ ने बार बार कहा तब रावण ने माँ के चरणों की तरफ देखकर हाथ जोड़कर कहा माँ हमारे पास सब कुछ है बस अब हमें मुक्ति मिले ऐसा आशीर्वाद दीजिए। तो जानकी माँ ने ऊपर की तरफ इशारा किया राम जी ऊपर खड़े थे सीढ़ियों पर उनसे कहो। रावण ने सरकार की तरफ हाथ जोड़कर कहा प्रभु हम पहचान गए आप जगतपति अवतार लेकर आए हो और हमें मुक्ति दीजिए। तो राम जी बोले रावण पंडित जी मुक्ति तो हम दे देंगे पर बिना भक्ति के मुक्ति असंभव है, पहले तुम इनके चरणों को पकड़ो श्री जानकी जी के चरणों को पकड़ो ये अगर कृपा कर देंगी तो हम मुक्त कर देंगे। रावण ने तत्क्षण प्रण लिया कि हम भक्ति को अपने नगर में हरण करके ले आएंगे फिर आपको आना ही पड़ेगा तो हमारी मुक्ति हो जाएगी। सूत्र क्लियर हो गया ना? क्या सूत्र क्या था आज का? भक्ति के बिना मुक्ति असंभव है, इसीलिए रावण ने जानकी जी का हरण किया क्योंकि जानकी जी हैं भक्ति, राम जी हैं भगवान और रावण का बेड़ा पार हो गया। इसीलिए आज की कथा जितने सुन रहे हैं हाथ जोड़कर निवेदन है रावण तपस्वी था ज्ञानी था त्रिकालज्ञ था उसको भी मुक्ति की जरूरत पड़ी। हम लोग ना तो तपस्वी हैं न त्यागी है न त्रिकालज्ञ है, हम लोगों को तो हर पल भगवान की कृपा की जरूरत है। भैया आज और अभी मौका है, आज से अभी से तुम भगवान के हो जाओ यही सार है। व्यर्थ मत गवाना। जितने भी कथा सुन रहे तुम्हें लगता कई लोग कहने क्या पड़ा है 3 घंटा बर्बाद करने में क्या मजा है क्या मिलता है? भैया कहने में तो सरल है क्या मिलता है, जो कथा में आते हैं उनसे पूछो वो क्या क्या नहीं पाते। एक सज्जन से एक व्यक्ति कह रहा था बागेश्वर धाम जुड़ने से क्या मिलता है, उसने बहुत करारा जवाब दिया था, बोले क्या चाहिए ये बताओ। भैया इसलिए हमारी प्रार्थना है आप हमारा परिवार हो, कथा तो एक बहाना है असलियत में राम जी का आपको बनाना है।